बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र के सिवनडी में 6 सितंबर को देर रात हुई व्यवसायी हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में आकाश कुमार नामक पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। एसपी चंदन कुमार झा ने बताया कि आजाद नगर निवासी शातिर अपराधी शहनाज अहमद ने रांची जेल में बंद अपराधी राजीव राम को घटना को अंजाम देने का सुपारी दिया था। राजीव ने जमशेदपुर के अपराधी भानु मांझी व आकाश सिंह देव को खबर भेजकर कहा कि बोकारो में शहनवाज अहमद से मिलना है, जो बताएगा वैसा ही करना है। इस पूरे मामले पर अगर गौर करें तो होता है कि झारखंड के जेलों में बंद अपराधी जेल में ही बैठकर शहर में अपराधी घटनाओं की योजनाएं बनाकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उसमें हमारे लिए भी बोकारो पुलिस के लिए एक बड़ी घटना थी, जिसमें हम लोग पिछले 15 दिनों से लगे हुए थे। डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें कौन कौन अभियुक्त कौन कौन दोषी हैं उनको पहचान करने के लिए। सारे क्रिमिनल्स को खंगालने के बाद हम लोग को एक सूचना मिली कि एक भानु मांझी करके एक अपराधी है, जो बोकारो से भी जिसका लिंक है और जमशेदपुर से भी है। जमशेदपुर में भी वो जेल जा चुका है कई केसेस में, और अभी वो जेल से बाहर है। उसकी इस घटना में संलिप्तता की सूचना मिली थी। उसके बाद एक टीम हम लोग पिछले करीब 7-8 दिन से परमानेंटली जमशेदपुर और उसके आसपास कैंप कराए हुए थे, जिसमें 2-3 बार डीएसपी सिटी को भी हमने भेजा था कि भानु मांझी की गिरफ्तारी के लिए। वो कभी जमशेदपुर, कभी सरायकेला, कभी चाईबासा जगह बदल रहा था, क्योंकि उसको भी जानकारी थी कि बोकारो और जमशेदपुर की भी पुलिस उसके पीछे है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में शायद 1-2 घटना फायरिंग की ही घटना जमशेदपुर में भी की गई है उसके द्वारा। उसमें फाइनली जमशेदपुर पुलिस को उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन मिला और उसकी गिरफ्तारी जमशेदपुर से।